राजस्थान की काशी बूंदी। आज हम आपके साथ बूंदी के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिसे बावड़ियों का नगर व छोटी काशी भी कहते हैं। कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सो गाइस, अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको दिल से पसंद आए तभी लाइक कीजिए। सबसे पहले हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा। देखिए, राजस्थान में दो ऐसी रियासतें थी जहाँ पर मीणाओं का शासन था। एक था आमेर और दूसरा बूंदी। बूंदा मीणा के पुत्र जैता को देवा हाड़ा चौहान ने हरा कर यहाँ पर हाड़ा वंश की स्थापना की और इसीलिए इस क्षेत्र को हाड़ोती भी कहा जाता है। बूंदी में 100 से भी अधिक कलात्मक बावड़ियां हैं। यह जिला अरावली की पहाड़ियों से सटा हुआ है। बूंदी के उत्तर पूर्व हिस्सा में पहले सूरसेन जनपद का अंग हुआ करता था और इसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद पश्चिमी दक्षिणी जो क्षेत्र है उसको 5242 क्षेत्र कहते हैं। बूंदी रियासत पर सबसे पहले मराठाओं का आक्रमण हुआ था और उसके बाद जयपुर पर आक्रमण किया था। लगे हाथ आपको यह भी बता देता हूँ कि राजस्थान की दो रियासत बीकानेर व जैसलमेर पर मराठाओं ने कभी आक्रमण नहीं किया था। यह दो रियासत मराठाओं से अछूत थी, लेकिन राजस्थान में अंग्रेजी हुकूमत का आगमन इन्हीं मराठाओं के द्वारा हुआ था। बूंदी का प्राचीन नाम वृदावती भी है और इसका सबूत रणकपुर लेख में मिलता है। बूंदी जिला 5776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बूंदी में 5 तहसील, 7 पंचायत समिति व 181 ग्राम पंचायत है। अगर हम बात करें बूंदी की जनसंख्या की तो वह है 11,10,906। यहाँ का लिंगानुपात 925 व साक्षरता दर है 61.5%। अब हम बूंदी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नोट्स भी आप बना सकते हैं आप चाहो तो, बट वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साहब, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले दिखे। बूंदी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों में है बीजासन माता मंदिर, इंद्रगढ़ में स्थित है, इस वजह से इसे इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं। केशव राय जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने 1601 ईस्वी में करवाया था। यहाँ के अन्य मंदिरों में पंच शिवलिंग, अंजलि माता के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, पांडवों की गुफा इत्यादि देख पाएंगे आप। अब हम बूंदी के खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर नजर डालते हैं। 84 खंभों की छतरी, धाबाई की छतरी के नाम से प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी के देवपुरा गांव के निकट स्थित है। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में 1683 ईस्वी में बनाया था। मोती महल बूंदी के नीचे रावला परिसर में राजा रावल बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम, जिसे मोती महल भी कहते हैं। फिर है दोस्तों केसरबाग बूंदी। दिवंगत आत्माओं राजाओं का समाधि स्थल है। राव राजा शत्रुसाल की मौत हो जाने पर उनकी चिता पर उनकी 64 रानियों ने यहीं पर आहुति दी थी। उसके बाद बूंदी के राजप्रसाद में एक स्थित महल है जहां पर बूंदी के नरेशों का राज तिलक होता था। इसके पास में ही अनिरुद्ध महल भी है, चित्रशाला भी बने हुए हैं। बावड़ियों के शहर बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह ने विधवा रानी नाथावती ने करवाया था। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर चित्रशाला भी बने हुए हैं, शिकार बुर्ज भी बने हुए हैं। फिर है रतन दौलत दरीखाना। यह बूंदी के राजप्रसाद में स्थित एक महल है जहाँ पर बूंदी के नरेशों का राज तिलक होता था। इसके पास में ही अनिरुद्ध महल एवं चित्रशाला भी बने हुए हैं। बूंदी के किले को तारागढ़ या फिर तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में रूडियार्ड क्लिपिंग ने यह भी कहा था कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि किसी प्रेतों द्वारा बनाया गया है। इतना अद्भुत लगता है यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में गर्भगुंजन तोप भी रखी हुई है जिसे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बूंदी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य भी है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य को दुंगारी पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह अभ्यारण्य लगभग 72 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें हंस, जलमुर्ग, गैरेट सार्स आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिक्त क्षेत्र है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे बूंदी की चित्र शैली। इस शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसीलिए इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं। इस शैली का स्वर्णकाल राव सुजान सिंह हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी चित्रशैली श्रेष्ठ उदाहरण है। राममल एवं सूरजमल बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें मोर के साथ सांप का चित्रण हुआ है। बूंदी के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएं तो सूर्यमल मिश्र,
इन्हें रसावतार तथा राजस्थान का वेदव्यास भी कहते हैं। ये बूंदी के शासक महाराव राय सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां वीर सतई, वंश भास्कर इत्यादि है। ऋषिदत्त मेहता, इनका पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में जेल में गया था। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य में उन्हें ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। ऋषिदत्त मेहता बूंदी राज्य लोक परिषद के स्थापन कर्ता भी थे। किशन लाल सोनी, बूंदी में रेल लाने का श्रेय किशन लाल सोनी को जाता है, इसलिए इन्हें रेल बाबा भी कहते हैं। उसके साथ राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थित है। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की प्रथम सुगर मिल केशव राय पाटन में 1965 में स्थापित की गई थी। यह मिल वर्तमान में बूंदी जिले में है। बूंदी में प्रमुख नदियां बहने वाली है घोड़ा पछाड़ नदी, चंबल नदी, मेज नदी, मांगली नदी, कुराल नदी और तालेड़ा नदी। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह भी बूंदी में स्थित है। बूंदी में प्रमुख महल है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रमुख छतरियां हैं धाबाई की छतरी, मुसीबाई की छतरी, 84 खंभों की छतरी, बड़ी प्रसिद्ध है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 1926 से 1943 तक चला था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। इस आंदोलन में नानक जी भील शहीद हुए थे। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल व नित्यानंद द्वारा की गई थी। सती प्रथा पर पहली बार रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने लगाई थी। भीमताल जलप्रपात, मांगली नदी भी बूंदी में स्थित है। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।